आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक जो बेस्ट वे होता है किसी कंपनी में रिजाइन डालने का, वो कौन सा होता है ताकि आप एक बेटर तरीके से अपना नोटिस पीरियड, जो आपका रिजिग्नेशन पीरियड होगा, उसको आप कम से कम करा सकते हो या उसमें आप कुछ दिन का रिलीफ पा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका नोटिस पीरियड अगर 90 दिन का है या 60 दिन का है, तो उसमें आप किस तरीके से निगोशिएट करा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट भी मैटर करता है जब आप किसी कंपनी में रिजाइन डालते हो, क्योंकि रिजाइन डालने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं कि एक तो आपने पूरा का पूरा उठाया ईमेल और भेज दिया एचआर को या अपने मैनेजर को, एंड एक ये होता है कि बेस्ट वे आपने अपने मैनेजर से उसके लिए डिस्कस किया एंड एचआर से डिस्कस किया, तब जाके आपने रिजाइन डाला। तो ये दोनों अलग अलग तरीके होते हैं। एंड आप जब डायरेक्ट रिजाइन डाल देते हो, रिजाइन डालने के बाद क्या होता है कि एकदम लोग भड़क जाते हैं, एकदम बोलते हैं यार कैसे रिजाइन डाले ये, तो हमेशा डिस्कस करें। और बेस्ट प्रोफेशनल वे मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिजाइन लिखना कैसे है, शॉर्ट एंड बेस्ट वे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ChatGPT का। आप ये यहाँ से मेरा सिंटैक्स उठा सकते हो जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, टाइप बेस्ट प्रोफेशनल रेजिग्नेशन। तो इसमें आपको डियर सुपरवाइजर नेम, अगर आप ये नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, या डियर सर करके ऐसे आप डाल सकते हो, एक बेटर वे रहेगा। एंड ये यहाँ पे मेंशन किया है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। एंड फिर एक यहाँ पे लाइन जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम माई पोजिशन एज, जो भी आपकी पोजिशन होती है, डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड एट कंपनी, आप जिस भी कंपनी में वर्किंग हो, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी आपकी हो सकती है। एंड इफेक्टिव लास्ट वर्किंग डे टाइपली 2 वीक्स फ्रॉम टुडे डेट। तो बेसिकली यहाँ पे जो लास्ट वर्किंग डे जो होगा वो आप ये डालोगे, जब भी आपका नोटिस पीरियड आपको लगता है कितने दिन में आपको मिलना चाहिए, आप निगोशिएट करने वाले हो, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है। एंड देन यहाँ पे दिस डिसीजन वॉज नॉट मेड लाइटली एज आई हैव जेन्युइनली एंजॉयड माई टाइम एट कंपनी नेम एंड आई एम ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी। तो ये आपको मेंशन करना है, मेंशन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर रेफरेंस एज ए लर्निंग ग्रोथ एंड टीम वर्क। तो यहाँ पे आप ये जरूर मेंशन करो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ताकि वो अट्रैक्ट करें आपके मैनेजर को और अच्छा टीम को बेसिकली। तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आपको डालने हैं, जैसे कि लर्निंग हो सकता है, या क्या आपको ग्रोथ मिला, या वहाँ की टीम कैसी थी, या पर्टिकुलर टीम में कोई बंदा था जिस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी हो, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी ChatGPT पे आप मिल जाएगा, मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया कि आपको उसमें डालना क्या है। एंड यहाँ पे कुछ और मेंशन है, ओवर द नेक्स्ट 2 वीक आई एम कमिटेड टू इंश्योरिंग ए स्मूथ ट्रांजिशन, जितना भी है यहाँ पे, 2 वीक्स का हर किसी का नहीं होता है। एंड यहाँ पे थैंक यू वंस अगेन पार्ट ऑफ दिस कंपनी, आई विश टू एंटायर टीम एंड कंटिन्यू सक्सेस, इस तरीके से यहाँ पे डालना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप सिंसियरली डालो, अपना नाम डालो एंड जो बाकी आप लिखते हो, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से जो आपका एक बेटर और प्रोफेशनल वे होता है रिजिग्नेशन का, वो हमें लगता है कि जहाँ तक बहुत अच्छा होता है, बट कभी भी आप रिजाइन अगर किसी भी कंपनी में डालो, चाहे वो स्मॉल स्टार्टअप हो या MNC हो, तो हमेशा पहले आप अपने मैनेजर से डिस्कस कर लें उसको वर्बली, एंड अपने HR टीम से डिस्कस कर लें अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिस्कशन की, वो बात कर लें, देन रिजाइन डालें। एंड आपको लगता है कि नहीं बेटर अपॉर्चुनिटी, तो मैं आपको बोलूँगा ज़रूर आपको मूव आउट करना चाहिए वहाँ से। एंड फिर रुकने का चांसेस कम होना चाहिए आपके मन में, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि आप वहाँ से मूव आउट हो जाओ अगर एक बार आपने रिजाइन डाल दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।